टारगेट विद आलोक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं पंडित अमरेश भट्ट आप सभी सम्मानित भावी शिक्षकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग सुपर टेट के नेक्स्ट क्लास पर बात करेंगे और आशा है कि आपको जो पिछली वीडियो दी गई है वह आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। तो उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, यानी अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। मैंने इसके पहले आपसे संधि के बारे में चर्चा किया और संधि को मैंने बताया, समझाया कि संधि कैसे होती है, उसी के बारे में थोड़ा सा हमने प्रकाश डाला। आज उसी दीर्घ स्वर संधि को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, यानी कि मैंने ये बताया था कि दीर्घ स्वर संधि में अ के सेगमेंट को बताया था, उस अ के सेगमेंट में हमने जोड़ना और तोड़ना आपको बताया था। आज भी उसी सेगमेंट का अगला जो पोर्शन होता है, यानी ई का, ऊ का, री का, इस पर हम आज बात करते हैं। तो हम ये देखेंगे कि जोड़ते कैसे हैं, पुनः हम खंडित करते हैं। थोड़ा सा अगर रिकैप कर दें आपको, तो ये आप जैसे अ का मिलन आ से हो रहा है तो भी आ बन रहा है, यानी चार मैंने आपको काइंड्स बताए थे कि एक स्वर चार प्रकार से मिल सकता है, तो इसी रूप में अन्य भी मिलेंगे। जो लोग अगर इस पार्ट को देख रहे हो उनके लिए बेटर ये होगा कि इसके पहले वाला दो पार्ट जरूर देख लें, तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, नहीं तो इस पार्ट से केवल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। तो हम क्लास को प्रारंभ करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक आसान शब्द हम लेते हैं, कपि धन ईस लेते हैं। लिखा क्या गया है, कपि लिखा गया है और धन ईस लिखा गया है, ठीक है। अगर ये शब्द लिखे गए हैं तो कपि धन ईस, अगर इन दोनों में हम इसको मेल कराते हैं, मैंने बताया था कि इसमें जो पहला भाग होगा यानी जो प्रथम पद होगा और जो द्वितीय पद होगा यानी दूसरा शब्द जो होगा, यानी एक शब्द और दो शब्द, ये दोनों स्वतंत्र शब्द हैं, दोनों के अर्थ अपने अपने कुछ न कुछ होते हैं। दोनों शब्दों ने सोचा कि हम लोग क्या करते हैं, एक नए शब्द का मिलकर के निर्माण कर लेते हैं। तो कपि ने कहा कि भाई हम अपना अंतिम वर्ण आपको दे देते हैं, आपके लिए छोड़ देते हैं, आपके लिए त्याग कर देते हैं। तो इसने क्या किया, जब अंतिम वर्ण छोड़ा तो इसने जब सुना, कहा आप अगर अंतिम अपना छोड़ते हैं तो मैं आपके लिए अपना पहला वर्ण ही त्यागने के लिए तैयार होता हूं, पहला स्वर ही त्यागने के लिए तैयार होता हूं। तो इन दोनों के त्याग की भावना, एक मिलन की भावना होती है, जहां पर त्याग होता है, समर्पण होता है, वहां पर ही मेल मिलाप होता है, वहां पर कोई दिक्कतें नहीं होती हैं, क्योंकि समझौता हो गया विचारों को लेकर के, भावों को लेकर के समझौता हमने किया, वहां कोई समस्या नहीं आती है। जब जीवन में संधि आपको जीवन के लिए एक प्रेरणा देती है कि समझौता अगर कर लिया जाए, अपने पर अडिग न रहा जाए, तो संभवतः हमारी जीवन की नया भी एक अच्छी गति से चलेगी। तो यानी ऐसे ही शब्द आपस में समझौता जब करते हैं तो उन्हें हम संधि कहते हैं। इस जो पी है, इस पी का निर्माण कैसे हुआ है, पौधन ई से हुआ है। किससे हुआ है, पौधन ई से पी का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो अब यहां पर अगर ई निकल जाता है, यह ई क्या हो, निकल जाए, ई अगर निकल जाता है तो यहां आधा पो बच जाएगा। तो यहां से ई ने क्या किया, अपने आप को इसके लिए छोड़ा, तो जो बचा उसी को आप उतार लीजिए, यानी को बचा और आधा पो बच गया, जो बचा सीधा सीधा इसको उतारिए। और इसने क्या किया, इसने भी अपना पहला वर्ण जब छोड़ा, यानी ये बड़ी ई हो गया, तो जो बड़ी ई हो गया जो बचा उसको आप उतार लीजिए, तो यहां से आप सौ उतार लीजिए। अब जो है ये आप देखिए,
ई और ये बड़ी ई मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, इसके पहले की वीडियो में हमने बता चुका है कि ई ई मिलकर के बड़ी ई का ही निर्माण करें, चाहे छोटी ई बड़ी मिले, चाहे बड़ी ई बड़ी मिले, चाहे बड़ी ई छोटी मिले या छोटी ई छोटी मिले, किसी भी रूप में अगर मिलता है तो बड़ी ई का ही निर्माण होता है। तो ई और ई मिलकर के किसका निर्माण कर लेंगे, बड़ी ई का निर्माण कर लेंगे। अब कुछ नहीं करना है, आपको इसी को जोड़ देना है। तो क ऑलरेडी है, क तो है, प में बड़ी ई मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, यानी क यहाँ से आप यहाँ उतार लीजिए, यहाँ से सौ उतार लीजिए और शब्द क्या बन जाएंगे, कपीस हो जाएंगे, यानी कपि धन ईस बराबर क्या बनेगा, कपीस बनेगा। आपको सीधा सीधा मैंने कहा कि जो एस्टेट है यानी जो सुपर टेट है, सुपर टेट में बच्चों को सिखाना है और कितनी आसानी से आप लर्न करा देते हैं, कितनी आसानी से आप उसको सिखा देते हैं, यही आपकी महत्ता होती है, यही आपकी कला होती है। टचिंग इज टीचिंग, टीचिंग क्या है, एक आर्ट है, एक कला है। हम टच कर देते हैं, हम प्रस्तुतिकरण करते हैं, तो हमारी प्रस्तुतिकरण जितनी ही सहज होगी उतना ही ग्राह्य होगा और जितना क्लिष्ट बनेगा उतना ही अग्राह्य होगा, यानी हमको समझ में आएगा नहीं। तो इसलिए आप हमेशा आसान प्रक्रिया में, चूंकि बालक होते हैं और आसान प्रक्रिया में उनको जब समझाया जाए तो संभवतः वो आसानी से आपके भी हो जाते हैं और आपको ताउम्र बचपन से लेकर के ताउम्र तक वो बच्चा भूलता नहीं है। आज भी हमको याद है, हो सकता है कि आपको भी ऐसा हो, और मुझे लगता है ऐसा ही है कि सबकी, क्योंकि मानव प्रवृत्तियां लगभग लगभग एक ही रहती हैं। आपको इंटर के, हाई स्कूल के या ग्रेजुएशन के कभी कभी किसी टीचर की याद आती होगी, लेकिन प्राथमिक विद्यालय का जो शिक्षक होगा, जो आठ तक पढ़ाया होगा, जूनियर हाई स्कूल का होगा, वो संभवतः आज भी याद है और एज इट इज उनका एक फिगर बन जाता है इस मस्तिष्क पर। वह अमिट छाप, वह उड़ता नहीं है, वह हटता नहीं है, यानी जब भी अगर वो शिक्षक मिलेगा एक अलग प्रेम रहता है, एक अलग उनके प्रति अगाध श्रद्धा रहती है। तो आप उस श्रद्धावान की तरह हैं, आप नर्सरी यानी जो प्राथमिक है ऐसे पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं जो नींव है। तो नींव जितनी भी मजबूत और जितनी अच्छी रहेगी उतना ही उसका निर्माण रहेगा और वह ताउम्र, मैंने कहा कि कभी भी वह आपको भूलेगा नहीं, कभी भी। आप बचपन के अपने प्राथमिक विद्यालय में अगर पढ़े होंगे या जूनियर हाई स्कूल में पढ़े होंगे तो आज भी उन शिक्षकों की याद आती है और कहीं वो मिलते हैं तो आज भी श्रद्धा होती है। तो आप एक योग्य शिक्षक बनिए, लेकिन योग्य शिक्षक बनने के लिए आपको योग्यता धारण करनी होगी, यानी क्वालिफाई तो करना ही होगा, एक अच्छे शिक्षक का गुण भी आपके अंदर डेवलप करना होगा, तब जाकर के यह बातें लागू होती हैं। तो अगर मान लीजिए कि हम दूसरे शब्दावली पर बात कर रहे हैं, कोई अन्य शब्दावली लेते हैं, जैसे कोई हम तोड़ने की बात करते हैं, यहां मैंने जोड़ने की बात किया। अब मान लीजिए कि मैंने ऐसा शब्द लिखा कि जो खंडित किया जाए, जैसे मान लीजिए आपको लिखा गया है रविंद्र शब्द लिखा गया है, ठीक है, शब्द क्या है, रविंद्र शब्द है। तो पहली चीज हमको ये जानना है कि खंडन कहां से होगा। अच्छा, आप नहीं भी जानते हैं तो चार विकल्प दिए रहेंगे कि नहीं, ऐसा तो है नहीं कि नहीं, ये तो ऑब्जेक्टिव परीक्षा है, सब्जेक्टिव तो है, मान लेते हैं हम आपको नहीं पता है। चलिए चार विकल्पों को आप बनाइए, चार विकल्प में ए विकल्प क्या आप लिख सकते हैं, एक तो आप रवि लिख सकते हैं और धन जो है आधा नौ और द्रौ लिख सकते हैं। चलिए बी विकल्प बनाइए, बी विकल्प में क्या लिख सकते हैं, रवि लिख सकते हैं, धन इंद्र लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए सी विकल्प पर आइए, सी विकल्प क्या लिख सकते हैं,
रवि लिख सकते हैं और धन इंद्र लिख सकते हैं, ठीक है। डी विकल्प पर आइए, डी विकल्प आप क्या बना सकते हैं? कुछ भी। मेरा सेंस ये है कि आपको ये बातें समझ में आ जाए कि संधि कैसे हो रही है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसे शब्दावली पर ही है, सभी शब्दावलियों पर आप प्रयोग करिएगा। अब मान लीजिए क्या हो सकता है, र मान लीजिए रवि कर देते हैं धन, विंद्र कर देते हैं, ऐसा आप कर सकते हैं, विंद्र कर सकते हैं। चलिए ई विकल्प को तोड़िए, ई विकल्प क्या हो सकता है, ई में रवि हो सकता है और धन इंद्र हो सकता है। चलिए यफ विकल्प में तोड़िए, ठीक है, यफ विकल्प में, यफ में क्या तोड़ सकते हैं, और कुछ छूटेगा इसका होगा, रवि धन इंद्र तो हो गया, चलिए इसको कर देते हैं रवि धन इंद्र कर देते हैं, ठीक, कुछ भी आप तोड़ लीजिए। अब इस में आपको यानी ये विकल्प दिया, हालांकि आपको चार ही विकल्प रहेगा, मैंने जान के बढ़ाया कितना टूट सकता है, मेरा सेंस ये है। अब आप ये देखिए कि आपको जो जानना है, क्या रवि धन आधा नौ द्र से रविंद्र बनेगा, नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि कोई संधि ही नहीं हो रही है, तो पहला विकल्प क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। रवि धन इंद्र होगा, ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि रवि तो ठीक लिखा है, रवि तो सही है, लेकिन इंद्र जो है ये गड़बड़ लिखा है, इंद्र में हमेशा छोटी ई की मात्रा लगती है, यानी जब ईस लिखा जाता है, यानी ये तालव्य ष जो होता है या जो ये संयुक्त छ होता है, इसके पहले जब ई आता है तो यह हमेशा बड़ी ई में आएगा, हमेशा क्या होगा, बड़ी ई में आएगा, और जब इंद्र के पहले अगर ई आता है आधा नौ द्र के पहले, तो हमेशा क्या होता है, वो छोटी ई में आएगा, तो हमेशा इंद्र में क्या लिखा जाएगा, छोटी ई होगा। तो यहां से ये तो सही हो गया, लेकिन ये गलत हो गया, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। यहां पर देखिए रवि हो गया, यानी इंद्र तो सही है लेकिन रवि का अर्थ नहीं कुछ है, ये गलत हो जाता है, रवि होता है न कि रवि होता है, शब्द आपके क्या हैं, रवि शब्द होते हैं, ठीक है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। रवि धन विंद्र तो ये तो बनेगा ही नहीं, ये तो आपके समाप्त हो गए, खत्म। रवि धन इंद्र ये भी क्या है, रवि तो बनेगा नहीं, ये गलत हो जाएगा, तो बचे क्या, रवि धन इंद्र बचा। अब इसको देख लीजिए ये कैसे, क्या आप इसको चेक कर लीजिए, एक प्रकार मैथ से, मैथ के फार्मूले से जैसे होता है, आप एक बार चेक कर लीजिए रविंद्र को, तो यहां से क्या हुआ, रवि हुआ, यहां रवि हुआ और क्या हो गया, धन इंद्र हो गया, ये तो हुआ। इसको थोड़ा सा हटा देते हैं ताकि आपको आसानी से समझा सकें। अब यहां पर आप देखिए, यहां से क्या मिल गया, छोटी ई मिल गया, यहां से क्या मिला, छोटी ई मिला, यहां से जो बचा उसी को उतार लीजिए र और आधा व, यहां जो बचा उसको उतार लीजिए आधा न और द्र। अब यहां करिए क्या, यहां पर ई और ई को क्या करिए, मेल करा दीजिए, ये मिल जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, बड़ी ई का निर्माण हो जाएगा। अब र व में बड़ी ई मिलेगा तो ये वी हो जाएगा, आधा न और द्र ये क्या बन जाएगा, रविंद्र बन जाएगा। यानी आपको एक आसान प्रक्रिया के माध्यम से सीधा सीधा जो जैसा है वहीं पर आप निकाल दीजिए, वहीं पर आप बातें कर लीजिए, तो आपके पूरे हो जाते हैं। मान लीजिए कि कोई ऐसा नहीं है, आप हमेशा देखेगा कहीं कहीं रविंद्र छोटी की मात्रा लिखा जाता है, लेकिन वो वर्तनी की दृष्टि से वह गलत होते हैं, यानी अशुद्ध होते हैं, शुद्ध क्या है, रविंद्र होता है। हम कुछ अगले जो शब्दावली है उस पर बात करते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा गया है श्रीस, लिखा गया है शब्द क्या लिखा गया है, श्रीस शब्द लिखा गया है।
अब श्रीस का आपको क्या करना है, खंडन करना है। तो पहली चीज, खंडन कहां से होगा आपको पता होना चाहिए कि खंडन कहां से होगा। तो खंडन हमेशा जहां दीर्घ हो रहा है वहीं से, चूंकि दीर्घ स्वर संधि है ऑलरेडी, और भी जहां आपको दीर्घ दिखाई दे वहीं से आप खंडन करिएगा। लेकिन दीर्घ के साथ साथ ये देखिएगा कोई शब्द बन रहा है कि नहीं, नहीं तो ऐसा नहीं है कि दीर्घ दिखाई दे आप वहीं से करेंगे, लेकिन शब्द बनना चाहिए उस दीर्घ पर जब हम खंडन करें तो कोई सार्थक शब्द बनना चाहिए, ऐसा नहीं निरर्थक शब्द बन जाए उसका कोई अर्थ ही ना निकले। और ऐसा प्रायः आपको मिल भी जाएगा, आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं, आप स्वयं जान जाएंगे। चलिए देखा जाता है अब श्रीस को क्या आप तोड़ सकते हैं, आप स्वयं से बताइए क्या तोड़ सकते हैं श्रीस को। अब तो कुछ यहां श्रोधन ईस तोड़ सकते हैं, ठीक है, श्रीधन ईस तोड़ सकते हैं, बी ऑप्शन। क्या करेंगे, कुछ जो रहेगा यही तो तोड़ेंगे, श्रीधन ईस तोड़ सकते हैं, सी ऑप्शन तोड़ सकते हैं, श्रीधन ईस तोड़ सकते हैं, डी ऑप्शन श्रीधन ईस तोड़ सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं सी ऑप्शन में, सॉरी डी ऑप्शन में, श्री धन ईस तोड़ सकते हैं, कुछ भी तो करेंगे। होगा क्या आप ये बताइए हमको, सिर्फ अपने आप मन स्थिति में आप सोचेगा, श्रोधन ईस होगा और ई मिलकर के तो बनेगा नहीं, हे का निर्माण कर देते हैं इसलिए खत्म, दीर्घ होगा ही नहीं। श्री धन ईस होगा, ईस मैंने बताया हमेशा जो ये तालव्य स्व आता है इसके पहले जब ई लगता है तो हमेशा दीर्घ में लगता है, हरस्व में नहीं लगता है, यानी ये ईस ही गलत लिखा गया है इसलिए ये भी खत्म, ठीक है। अब ये बताइए श्रीधन ईस आप कौन सा श्री सुने हुए हैं, आप हमेशा कभी इस प्रकार से श्री लिखा हुआ देखे हैं, नहीं देखे हैं, इसका मतलब कुछ होता भी नहीं है, यानी ये आपके डी विकल्प जो है ये भी क्या हो गए, खत्म हो गए। श्री मतलब लक्ष्मी होता है, यानी श्रीधन ईस हमेशा क्या होते हैं, यह क्या बन जाएगा, श्रीस बन जाएगा, श्रीधन ईस क्या बनेगा, श्रीस शब्द का निर्माण कर देगा। तो आप हमेशा जोड़ना और खंडन करना, यानी अगर जानते जोड़ना जानते हैं तो निश्चित तौर पे आपको, अब जोड़ना जानते हैं तो किसी को जोड़ दीजिए इसी में और एक ही सही होगा, यह भी सत्य है। हम तो बड़ा नजदीकी ऑप्शन ले रहे हैं, जब एग्जाम में पूछा जाता है तो बहुत दूर दूर के ऑप्शन भी आपके सामने प्रस्तुत रहते हैं, ठीक है। यानी ये कुछ शब्दावलियां, अन्य शब्दावलियों पर अगर हम बात करते हैं तो उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि शब्द लिखा गया है महीधन इंद्र, लिखा गया है क्या, लिखा गया है महीधन इंद्र लिखा गया है। मैं प्रायः इस शब्द को मैं प्रायः ऑफलाइन की कक्षाओं में पूछा करता था और ऑप्शन में मैं देता था, हमेशा ऑप्शन में दे देता था एक शब्द महेंद्र दे देता था और एक शब्द जो है महेंद्र दे देता था, बस दो ही ऑप्शन देते थे हम और हमेशा पूछते थे आप सोच लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा कि इसमें बनेगा क्या, आप तेजी से मत करिएगा, अगर गलत होगा तो ठीक नहीं खाएगा, ऐसा मैं कह देता था, थोड़ा सा प्रेशर डाल देता था। तो अब इसमें लड़का ये कंफ्यूज हो जाता था, हम तो सुने हैं महेंद्र लेकिन बन क्या रहा है महेंद्र, सही क्या होगा, कैसे होगा अब वो इसमें। तो बहुत सारे लोग जो है, यानी जो हमारे छात्र थे, उस लगभग लोग इस पर टिक कर देते थे, कुछ ही इस पर टिक करते थे जो क्या है, गलत है, ठीक है। तो यहां पर आपको संधि का जो नियम है, संधि का नियम कुछ भी बना रहा है, वह नियम आपको लागू करना है और उसी नियम से आपको बनाना, चाहे जो इच्छा बने, जो बनेगा वह सही बनेगा, गलत नहीं बनेगा,
आपका ज्ञान हो सकता है कि गलत हो सकता है, लेकिन नियम गलत नहीं हो सकते हैं। यानी नियम के अनुसार जो बनेगा वह क्या बनेगा, सत्य ही बनेगा। तो आप जो है मही धन इंद्र क्या बनेगा, महेंद्र ही बनेगा। आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए, यहां से क्या हुआ, यहां से बड़ी ई निकल जाता है तो बच गया क्या, म बच गया और आधा ह बच गया, यही तो बचा। यहां से क्या हुआ, छोटी ई निकल गया, बच क्या गया, आधा न और द्र बच गया। अब यहां पर ये देखिए, आपको बड़ी ई और छोटी ई मिलकर के क्या बनाएगा, बड़ी ई का ही निर्माण करेगा। अब यहां पर म हो गया, ह में ई जुड़ जाएगा तो यह ही हो जाएगा, आधा न और द्र ये क्या बन गया, महेंद्र बन गया, यानी आपके शब्द का निर्माण हो गया है। तो ऐसे बहुत सारे आपको शब्दावलियां मिलेंगी जो आपको बनाना होता है, जो आपको बना करके बताना होता है कि कौन सा सही है। आइए कुछ अन्य उदाहरणों पर हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि लिखा गया है शब्द, लिखा गया है विधु, लिखा गया है विधु, लिखा गया है धन उदय, लिखा गया, ठीक है। अब तो आप मास्टर हो गए होंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप तुरंत बता देंगे। ये अनुभव है पहले का, विगत वर्षों का ये अनुभव है, इसलिए मैं ऐसा कह सकता हूं कि आप इसको देखते ही बता दें। लेकिन फिर भी एक प्रॉपर तरीके से हम आपको इसको जोड़ना सिखा देते हैं, तो आप खंडन करना जान जाएंगे। जैसे अगर मान लीजिए यहां से विधु है, अब धू का निर्माण कैसे होता है, धू का निर्माण कैसे हुआ है, तो किससे हुआ है, ध धन ऊ से हुआ है, छोटा ऊ से धू का निर्माण हुआ है। तो अगर ये ऊ यहां से निकल जाए, ये अपना अंतिम वर्ण देगा, यानी क्या देगा, ऊ देगा, ठीक है। तो यहां बचेगा क्या, वी बचेगा, वी और क्या बचेगा, ध बचेगा, ध के नीचे हलंत लगा दीजिए आधा, यानी ऊ यहां से हट जाएगा, ये ऊच उठ करके कहां आ जाए, यहां आ जाए, तो यहां जो बचेगा वी और आधा ध बचेगा। यहां ये महोदय अंतिम वर्ण दिए तो ये पहला दिए, तो यानी यह ऊ हो गया, ये भी ऊ यहां मिल जाएगा, जो बचा उसी को उतार दीजिए और क्या बचा, दय बचा, ठीक है, दय बच गया। अब ऊ और ऊ मिलकर के किसका निर्माण कर रहे, ऊ और ऊ मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं, तो ऊ छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, बड़ा ऊ का निर्माण करेंगे। अब यहां पर देखिए ये वी लिखिए, वी उतार दीजिए, ध में बड़ा ऊ कर दीजिए तो धू हो जाएगा, और द को य को उतार दीजिए तो यह क्या बन गया, विधुदय बन गया, ठीक है। यानी विधुदय मतलब, विधु मतलब चंद्रमा, उदय मतलब उगना या निकलना होता है, यानी चंद्रमा के निकलने को, दिखाई देने को ही हम क्या कहते हैं, विधुदय कहते हैं। तो आप विधुदय जो है, विधुधन उदय को हम क्या करेंगे, यानी इसको सीधा सीधा जोड़ देंगे। अब खंडन भी करना है तो यहां से बड़ा ऊ की मात्रा है तो यहीं से हम क्या कर देंगे, खंडित भी कर देंगे। अब मान लीजिए कि एक शब्द इसी पर हम लेते हैं, थोड़ा सा आपको बताना है कि ये शब्द का क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि लिखा गया है वधोक्ति, लिखा गया है, ठीक है, ये शब्द लिखा गया है। अब इसको आपको खंडन करना है, तो खंडन में चार ऑप्शन चाहिए, यही तो चाहिए, चार ऑप्शन चाहिए। तो आपके सामने जो ऑप्शन मिलते हैं, चलिए ए ऑप्शन मिलते हैं, आपको बताना है वधु धन उक्ति, चलिए बी ऑप्शन वधु धन उक्ति, हालांकि इतना नजदीकी ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, लेकिन फिर भी हम आपसे जानना चाहेंगे वधु धन उक्ति। डी ऑप्शन में क्या लिखा गया है,
वधु धन उक्ति। ये थोड़ा सा आपको फंसाने वाला हो सकता है कि क्योंकि यहां शब्दों पर जानना चाहिए, लेकिन आप फंसेंगे नहीं। थोड़ा सा ऐसा आपको मन में आ सकता है क्योंकि बड़ा नजदीकी मैंने ये मैटर आपको उठा लिया है, दे दिया है। यहां पर आपसे अगर हम बात करें तो क्या होगा, कोई तो होगा। आप ये बताइए पहले वधू कैसे लिखा जाता है। वधू ऐसे लिखा जाता है या वधू ऐसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है? तो आप अगर मैं हाथ उठवाऊं तो कुछ लोग कहेंगे वधू ऐसे लिखा जाता है और कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं सर ऐसे लिखा जाता है। तो फिलहाल आपके मिला जुला रूप है। तो पहले चीज आप अगर वर हैं तो ये तो आप दिमाग में बैठा लीजिए कि वधू की सही स्पेलिंग क्या होगी, यानी सही वर्तनी क्या होगी। तो आज तो दिमाग में बैठा लीजिएगा कि वधू कैसे लिखा जाता है। वर वधू बोला भी जाता है, वधू नहीं बोला जाता है, वधू बोला जाता है, वधू यानी वधू न बोल करके वधू बोला जाए, वर वधू को आशीर्वाद देने के। तो वधू यानी ये क्या हो गया, दीर्घ वाला, थोड़ा सा देर तक हो रहा है। तो वधू कौन सही है, यह सही है। अब देख लीजिए, अब इसमें से आपको दो विकल्प क्या होंगे, अपने आप कट जाएंगे। कैसे, वधू से ही कट जाएंगे, यानी ये विकल्प नहीं होगा, ये विकल्प नहीं होगा, खत्म ये विकल्प। अब बचे सी और डी, दो विकल्प बचे। तो दो विकल्पों में आपको अब उक्ति कैसे लिखा जाता है, तो आप स्वयं बताइए आप उक्ति ऐसे लिखते हैं या उक्ति ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं उक्ति आप कैसे लिखते हैं। तो आप बोल क्या रहे हैं, उक्ति, उक्ति तो बोल नहीं रहे हैं, आप बोल रहे हैं उक्ति बोल रहे हैं, यानी ये जो उ है ये क्या है, गलत है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहां पर आप देखेंगे वधूत यहां सही लिखा है लेकिन यहां उक्ति गलत लिखा है, इसलिए ये भी क्या हो गया, खत्म हो गया। अब जो बचा उसी को क्या करिए, आप सही लगा दीजिए। आसान सी प्रक्रिया है, चूंकि समझाने की प्रक्रिया है, आप जब करेंगे बहुत तेजी से करेंगे। तो यानी आप जो है ये देखे कि आसान हमको आता है कि नहीं आता है, ठीक है, इससे आपको मतलब नहीं है, लेकिन आप कहीं ना कहीं उस शब्द को सुने हैं तभी जाकर के ऐसा हो रहा है। तब यहां से बड़ाऊ छोटाऊ मिलकर के बड़ाऊ का निर्माण कर लेगा और क्या बना जाए, और क्या बन जाएगा, वधूक्ति बन जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए लिखा गया है, अगर मैं कहूं कि एक शब्दावली और हम लेते हैं, मान लीजिए कि रीपल, री का हमको शब्दावली उ का हो गया, अब हमको शब्दावली री का लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा गया है पितृण, लिखा गया है पितृण, लिखा गया, ठीक है पितृण। अब पितृण में क्या होगा, आप यहां देखिए, मैंने बताया री री मिलकर के हिंदी में री का ही निर्माण होता है, लेकिन संस्कृत में दीर्घ री का निर्माण होता है। तो मैं हिंदी बता रहा हूं, संस्कृत तो बता नहीं रहा हूं, इसलिए यहां पर यह री का ही निर्माण होगा, इतना ध्यान में रखिएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, पितृ आपको मिलेगा, धन क्या होगा, ऋण होगा, धन क्या होगा, ऋण होगा, ठीक। अब देखिए पितृ धन ऋण पितृण का निर्माण हुआ, लेकिन ये जुड़ कैसे रहा है इसको आपको समझना है, यहां से कैसे क्या मिल रहा है तो हो रहा है। तो यहां से अगर त्रि का निर्माण है, त्रि बना है, तो त्रि बना कैसे है, आपको तो धन री से मिलकर के क्या बना है, त्रि बना है। तो धन रो से मिलकर के त्रि नहीं बना है, रो के चार प्रकार होते हैं, उन चार प्रकारों में मैं जब बीच बीच में पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से हैं और कैसे लिखे जाते हैं, प्रोनंसिएशन कब होता है और कब नहीं होता है, यानी इस पर भी हम बात आपसे करेंगे। तो यहां पर जो है आपको त धन री मिलकर के क्या होता है, त्रि का निर्माण होता है। अब इसका अंतिम स्वर, मैंने कहा था कि स्वर ही देगा, अंतिम वाला ही देगा, पहला खंड पहला शब्द तो दूसरा शब्द अपना पहला देगा। तो यहां से क्या हो गया, यहां से री मिल गया, री मिल गया, तो बचा क्या,
ये आधा तो हो जाएगा, थ्री में से री अगर निकल जाएगा तो बचेगा आधा तो, यानी यहां पर क्या हो गया, पी हो गया और आधा तो हो गया। इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं तो आसानी हो जाएगी आपको समझाने में, ठीक। यानी यहां से आपको क्या हो जाएगा, पी बच गया है और यहां से आधा तो बच गया है। चलिए ये बच गया है, इसने क्या किया, यह भी क्या हुआ, री अपना दे दिया तो बच क्या गया, यहां पर रॉ बच गया तो बच गया, तो उसको उतारिए। और री मिलकर के मैंने बताया यह री का ही निर्माण करेगा, यानी हिंदी में यह री का ही निर्माण होता है, तो यह अब क्या बन जाएगा, पी हो जाएगा, तो मेरी जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, तो मेरी जुड़ेगा तो त्री बनेगा, और ड़ को उतार लेंगे तो यह शब्द क्या बन जाएगा, पितृण बन जाएगा। यानी सीधा सीधा आपको कुछ करना नहीं है, जोड़ देना है। तो यानी यह शब्द क्या हो गया, पितृण हो गया, ठीक है। देव ऋण होता है, ऋषि ऋण होता है, पितृ ऋण होता है, यह आपके ऊपर ऋण होते हैं। तो पितृ ऋण से कब आप उभरते हैं, पितृ ऋण से कब आप मुक्ति पाते हैं, जैसे आपके पिताजी पितृ ऋण से मुक्त हो गए हैं, क्यों, क्योंकि उन्होंने आपको जन्म दे दिया है। तो जब कोई पिता और माता दोनों को एक माता माना गया है, यानी ऐसा नहीं है कि बस उनका अलग होगा, मातृ ऋण अलग होगा, पितृ ऋण अलग होगा, दोनों को एक मान करके, चूंकि श्रद्धावान हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में श्रद्धावान माना गया है, माँ को भी माना गया है, पिता को भी माना गया है, लेकिन माँ को माना गया है, माँ किसको मानती है, आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि माँ किसको, हम अपनी माँ को देव मानते हैं, देवता यानी मानते हैं, या उनको हम अपनी आदिशक्ति मानते हैं, माता मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, यानी वो भी हमारे पूजनीय होंगे। इसलिए भारतीय परिवेश में आप हमेशा देखेंगे पितृ की बात की जाएगी, यानी पिता की बात की जाएगी। तो आप जो है माँ, आप मानते हैं माता को, मान लीजिए आपके लिए पूजनीय कौन है, माता, हो सकता है पिता आपके लिए पूजनीय ना हो, ऐसा होता नहीं है, सबके पूजनीय होते, लेकिन किसी किसी में होता है ना कि कोई माँ के प्रति अधिक लगाव है, कोई पिता के प्रति अधिक लगाव है। तो माँ को मानते हैं तो माँ किसको मानती है, माँ को आप देव माने, देवी मानी, यानी आप यहां पर हैं, और अगर आप यहां पर हैं और माँ को क्या, देवी माने, ये जो माँ है ये माँ किसको मान रही है, अपने पति को मान रही है, इनको देव मान रही है, ठीक है। तो इसलिए ये कहा गया है कि ये इनके अंदर ही समाहित हैं, या एक दोनों एक दूसरे के लिए हैं, वो अलग बात है। तो इसलिए यहां पर दोनों के अलग अलग ऋण नहीं होते हैं, बल्कि पितृ ऋण से वह कह दिया गया है कि अगर आप भी एक बच्चे को जन्म देते हैं, एक पुत्र को जन्म दे देते हैं, तो आप भी पितृ ऋण से मुक्ति पा लेते हैं। यानी जन्म, शादी होगी, शादी के बाद आप जन्म दे दीजिए, जन्म देने के बाद आप भी पितृ ऋण से मुक्त पा जाएंगे, यानी कि जो नहीं हुआ इस ऋण से मुक्त नहीं होता, ऐसा मान्यता है, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप मानते हैं ठीक है, नहीं मानते अपनी अपनी आस्था है। तो अब यहां मान लीजिए कि जैसे अगर हम कोई शब्द लिखते हैं, अगर हम शब्द लिखे मुरार, मान लीजिए शब्द लिखते हैं मुरार, शब्द लिखते हैं, ठीक है, मुरार एक शब्द है, और इस शब्द का मैंने मान लीजिए खंडन किया, ठीक। अब खंडन इस शब्द का अगर हम करें तो कैसे हो सकता है, कहां से हो सकता है, तो एक तो आपको दिमाग में अब आ गया होगा कि खंडन कहां से होगा, रा से ही होगा, इतना तो अब ध्यान है, क्योंकि यही दीर्घ हो रहा है, तो दीर्घ यही हो रहा है, तो रा से ही खंडन होगा। अब कैसे खंडन होगा ये आप जानिए,
अगर आप नहीं जानते हैं तो वो चार विकल्प देंगे और उन चार विकल्पों में आप जोड़िए। तो मान लीजिए कि पहला विकल्प आपके सामने वो दे देते हैं मूरा धन अरी देते हैं, ठीक है। चलिए बी विकल्प क्या देते हैं, बी विकल्प आपके सामने देते हैं मुर धन अरी देते हैं, ठीक है। सी विकल्प आपके सामने क्या देते हैं, मू धन रारी देते हैं। चलिए डी विकल्प आपको क्या देते हैं, मुर ये ऐसे कर दीजिए, थोड़ा सा इसको हम डी विकल्प को डी विकल्प यहां पर डी विकल्प क्या देते हैं, मुर धन अरी देते हैं। चलिए ई विकल्प क्या देते हैं, मुर धन अरी देते हैं, ठीक। अब ये मान लीजिए आपके सामने विकल्प दिया गया है, हालांकि चार ही मैंने कहा, चार ही मैं पांच में तोड़ दे रहा हूं, आप जितने मैं समझाने के लिए ऐसा तोड़ दे रहा हूं, आपके माइंड में जो जो टूट सकता है उसको उसको तोड़ने का हम प्रयास कर दे हैं। अब इसमें बताइए कि कौन सा विकल्प इसमें सही होगा, चलिए देखा जाता है। सही पर अगर हम आते हैं तो देखते हैं, तो मुरा धन अरी होगा, ये तो कोई मुरा कुछ शब्द ही नहीं बना तो इसलिए खत्म हो गया, और ये शब्द नहीं बना, यानी मुरा नामक कोई शब्द नहीं होता है। चलिए मुर धन अरी होता है, मुर नामक शब्द होता है, मुर जो है एक राक्षस का नाम होता है मुर, ठीक है, तो मुर का तो है, लेकिन यहां पर देखिए ये छोटी ई की मात्रा लगा है, यहां पर क्या हो जाएगा बड़ी ई की मात्रा, अगर हम इसको मिला देते हैं तो इसको अगर हम मिलाएंगे तो यह ऐसे बन जाएगा, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। तो ये जो है इसका अगर यहां बड़ी की मात्रा रहती तब तो ये सही हो जाता, लेकिन चूंकि इसको भी देखना है यहां पर छोटी ई की मात्रा है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा आपके गलत हो जाएंगे, यानी ये आपका विकल्प भी अरी के कारण ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मूर्धन रारी ये तो कुछ बन ही नहीं रहा है, खत्म, यह मूर्धन अरी है, अरी मतलब होता है, ये भी मतलब होता है, लेकिन मूर जो है ये लिखा गया है यहां पर क्या है छोटा उ की मात्रा, यहां पर बड़ा उ की मात्रा ये लगा दिए हैं, इसलिए ये भी क्या है कि चूंकि यहां छोटा उ की है और यहां से कोई खंडन नहीं हो रहा है, खंडन जहां से हो रहा वहीं से बाकी शब्द वैसे ही रहेंगे, तो मूर जो है ये गलत लिखा गया है, इसलिए इसकी अपेक्षा, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। चलिए मुर यहां पर सही लिखा गया है, यहां पर अरि भी सही लिखा गया है, अरि का अर्थ क्या होता है, शत्रु होता है, यानी यहां पर देखेंगे मुर धन अरि, यहां र में से क्या होगा, इसको मिला दीजिए, र में से ओ मिल जाएगा, ठीक है, यहां पर बच क्या जाएगा मु और आधा र बच जाएगा, धन यहां पर ओ आ जाएंगे, बच क्या जाएगा जो बचा उसको उतार लीजिए, ओ और आ मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, आ का निर्माण करेंगे, यहां मु र में ए आ हो जाएगा तो ये रा हो जाएगा, री को ऐसे उतार दीजिए, ये शब्द का क्या निर्माण हो गया, मुरारी हो गया। तो आप जो है मुर नामक शत्रु, अरि मतलब शत्रु, तो मुर का शत्रु ही मुरारी होता है, ठीक है, तो यानी यहां पर क्या हो जाते हैं आपके ये विकल्प सही हो जाते हैं। तो थोड़ा सा मैंने बताया कि आपको इस पर भी ध्यान देना होगा, शब्द कोई भी हो आप हमेशा ये देखिए कि खंडन कहां से होगा, हम जोड़ेंगे कहां पर, अगर ऐसा है तो आपके समझ में आ जाएगा। एक अगर हम मान लीजिए कि आपको एक थोड़ा सा क्लिष्ट शब्द लेते हैं, कोई शब्द ऐसा लेते हैं कि जो थोड़ा सा तोड़ना आपके लिए कठिन हो, उसको हम देखते हैं। मान लीजिए कि शब्द हमने लिया, एक शब्द हम लेते हैं
तथ्यान्वेषण, ठीक है, ये शब्द हम लेते हैं। मेरा सेंस ये रहता है कि आप शब्द कोई भी हो, आप आसान शब्दों पर प्रयोग मत करिए, क्लिष्टता वाले शब्द अगर कर लेंगे अपने लिए, बच्चों को बचाइए, बताइए आसान तरीके से बताइए, कठिन शब्द को भी आसान तरीके से अगर आप समझा ले जाते हैं तो यही आपकी महत्ता होती है। तथ्यान्वेषण, एक चीज तो आप क्लियर हो गए होंगे कि कहां से ये टूटेगा, तो टूटेगा कहां से, यहीं से, ठीक है, या से, क्योंकि या पर दीर्घ हो रहा है तो टूट क्या सकता है, एक शब्द क्या टूट जाएगा, तथ्य टूट जाएगा, टूट जाएगा कि नहीं, ये तो टूट सकता है। चलिए एक शब्द क्या हो सकता है, अब यहां अन्वेषण हो सकता है, अन्वेषण, चलिए ठीक है, ये अब क्या टूटेगा, मान लीजिए ए विकल्प ये हो सकते हैं, आप क्या क्या तोड़ सकते हैं, आप तथ्याधन अन्वेषण, तथ्य हो सकता है, एक तरफ इधर कर दें, तथ्य कर दें, तथ्य कर दें, तो तथ्य शब्द ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तथ्यान्वेषण न और वेषण कर दें तभी भी ये गलत हो जाएगा, अगर मान लीजिए तथ्यान ही कर देते हैं, तथ्यान वेषण कर देते हैं तभी भी तो गलत हो जाएगा। यानी आप स्वयं देखिएगा कि आप जो भी इसका खंडन करेंगे वह कहीं ना कहीं आपको स्वयं पता चलेगा कि ये क्या हो गए, गलत हो गए हैं। इसलिए आप जो है इसको जब देखिए, अब इसको क्या करिए, आप जोड़ दीजिए, देख लीजिए आ रहा है, यहां से क्या मिलेगा, और मिलेगा, यही तो मिलेगा, यहां से क्या मिलेगा, और मिलेगा, यही मिलेगा, इसको उतार लीजिए, चलिए इसको आप उतारिए, यानी यहां से क्या हो जाएगा, तो आधा थ और आधा य हो जाएगा, जो बचा यहां से अ निकल गया, ठीक, यहां से अ यहां चलाए, ए अ यहां चलाए, तो जो बचा उसको करिए वे क्षण, इसको उतार लीजिए, ठीक। अब जो है आप अ और अ दोनों को मिला दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, ठीक। अब यहां पर तो आधा थ, अब य में आ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, आधा न और वे हो जाएगा, क्षण हो जाएगा, ठीक है। और ये शब्द क्या बन जाते हैं, तथ्यान्वेषण बन जाएंगे, यानी तथ्यों की खोज को हम तथ्यान्वेषण कहते हैं। अन्वेषण मतलब क्या होता है, खोज करना। तो यहां पर आप ये देखेंगे कि जो भी शब्दावली बन रही है, यानी चाहे वह जोड़ा जा रहा है या खंडित किया जा रहा है, तो आप दोनों रूपों में इसको समझे, ठीक है। तो आशा ये है कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, और अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम बात करेंगे, यानी अगले संधियों पर हम बात करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत आशीर्वाद और प्यार, धन्यवाद।